हे फाइंडर्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में पुरुषों की संख्या कितनी है। लेकिन फाइंडर्स, पुरुषों की संख्या जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम किस आधार पर पुरुषों की बात करेंगे, क्योंकि फाइंडर्स वर्तमान समय में मतलब कि साल 2021 में हमारे भारत देश की कुल जनसंख्या 136 या 137 करोड़ के लगभग हो चुकी है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो कहीं आपको 136 आंकड़ा दिखेगा तो कहीं पर आपको 137 करोड़ जनसंख्या दिखने वाली है। इसलिए फाइंडर्स वर्तमान समय में हमारे पास ऐसा कोई भी फिक्स आंकड़ा नहीं है जिसके आधार पर हम महिलाओं और पुरुषों को बांट सकें। हालांकि इसी साल मतलब कि 2021 में भारत की जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण ऐसा अभी संभव नहीं हो पाया है। भारत की जनगणना अभी नहीं हो पाई है, लेकिन फाइनेंस जैसे ही भारत की जनगणना होगी तो हम उस आधार पर भी बात कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम साल 2011 के मतलब कि साल 2011 में जब हमारे भारत देश की जनगणना हुई थी उसके आधार पर बात करने वाले हैं कि हमारे भारत देश में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषों जनसंख्या कितनी है, तो आइए जानते हैं। फाइनेंस साल 2011 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, इसे जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साल 2011 में ऑफिशियल तौर पर हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी थी। तो आइए फाइनेंस बिना देर की आपको सबसे पहले यही बता देते हैं कि साल 2011 में ऑफिशियल तौर पर हमारे भारत देश की जनसंख्या 1,21,08,54,977 थी। और अब अगर हम इस टोटल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो फाइंडर्स आपको बता दें कि यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या 62,32,70,258 है। और वहीं हम पुरुषों की लिटरेसी रेट की बात करें तो साल 2011 में पुरुषों का लिटरेसी रेट 82.10% था। तो फाइंडर्स आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। चलिए फाइंडर्स हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।